मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में वित्तीय वर्ष 2018-19 में नई राहें नई मंजिलें योजना को शामिल किया गया। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्त वर्ष में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत जिला सिरमौर में प्रसिद्ध नोहराधार चोरधार ट्रैक रूट को 3,32,00,000 रुपए से विकसित किया जाएगा। यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर डॉक्टर आरके पारूथी ने इस योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए गत 1 और 2 नवम्बर 2020 को चोरधार का दौरा करने के उपरांत दी। उन्होंने बताया कि नई राहें नई मंजिलें योजना अनछुए पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए वर्तमान सरकार की प्रमुख योजना है। जिला सिरमौर में पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए इस योजना के अंतर्गत नोहराधार चोरधार ट्रैक रूट का चयन किया गया, जिसे शीघ्र ही विकसित किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि 14 किलोमीटर लंबे ट्रैक रूट को विकसित करने के लिए 3,32,00,000 रुपए की राशि को मंजूरी के लिए भेजा गया है। नोहराधार से चोरधार तक ट्रैक मार्ग के विकास के लिए वर्षा सालिका, हाथ रेलिंग और ट्रैक्टर हट आदि का भी निर्माण किया जाएगा। हमने बेंच बनाए, फ्लावर कोर्ट बनाए, स्टेडियम बनाया, बाउंड्री वॉल बनाई, ठीक है। ये अब आपकी जब पूरी भर जाएगी इसमें ऐसे नहीं रखना चाहिए, पूरा सॉलिड हो जाए, नीचे ईंट की तरह। तो जहाँ ईंट इस्तेमाल करते हैं आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने कलर पॉलीथीन है ना, आप ऐसे बाहर लगाओगे, एक ये एक कलर दूर से चमकेगी रात को। और बेंच बना दो लोगों के बैठने के लिए, बीच में टेबल बना दो खाने के लिए। आज के बाद जलाना नहीं, ठीक है। लो भाई भरो, तुम्हारा सारा कूड़ा एक बोतल में आ जाएगा सारा। नाहन से जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।